हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, लास्ट वीडियो पे मैंने आप लोगों से बात किया कि कौन सा फोन, पांच फोन ऐसा जो 10,000 के कम में आप लोग ले सकते हो। तो आज के वीडियो पे हम बात करेंगे ऐसे ही पांच फोन के बारे में जो आप 15,000 रुपया के नीचे अगर आपका बजट है तो आप लोग ले सकते हो। तो वीडियो को आगे देखते रहिए, उम्मीद करते हो वीडियो आप लोगों को पसंद आएगा। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बट उससे पहले नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सोमदीप नदी, टेकमैन के न्यू वीडियो पे आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, अगर ये जो मैंने अंडर 15K का वीडियो में बना रहा हूँ, अंडर 15K रुपीज पे आप लोगों को कौन सा फोन मिलना चाहिए, तो इसके पहला जो फोन आता है वो है Realme 5 Pro। इस फोन पे आप लोगों को मिल रहा है 6.3 इंच का स्क्रीन, 4GB का रैम, स्नैपड्रैगन 712 का प्रोसेसर, 48+8+2+2 मेगापिक्सल का रियर कैमरा, 16 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा और उसके साथ साथ 4035 mAh का बैटरी। और ये जो टोटल सील पैक है ये आप लोगों को मिल जाएगा 13,999 रुपीज पे। अब दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट फोन का, जो है गैलेक्सी M30s। ये फोन कुछ खास है तो इसीलिए वीडियो को अभी से लाइक कर दीजिए। दोस्तों, ये जो फोन है, इस फोन पे आप लोगों को मिल रहा है 6.4 इंच का स्क्रीन, 4GB का रैम, Exynos 9610 का प्रोसेसर, उसके साथ साथ 48+8+5 मेगापिक्सल का रियर कैमरा, 16 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा और दोस्तों इस पे आप लोगों को मिल रहा है 6000 mAh का बैटरी और वो भी आप लोगों को मिल रहा है सिर्फ 13,999 रुपीज पे। बट दोस्तों, अगर आप लोग बैटरी ज्यादा चाहते हो, अगर आप लोगों को चाहिए कि नहीं मेरा फोन लंबा देर तक चले, एक बार चार्ज करूं और दो दिन तक चार्ज करने की कोई जरूरत ना पड़े, हम जब गेम खेले, हम जब गाना सुने, हम जब मूवी देखे, कोई बैटरी का टेंशन ना हो, तो आप लोग जरूर ये वाला फोन को ले सकते हो क्योंकि इस पे कंपनी आप लोगों को दे रहा है 6000 mAh का बैटरी। अब दोस्तों, अगर अगला फोन का बात करें तो वो है Note 7 Pro। Note 7 Pro बहुत ही एक अच्छा फोन है, इसका मार्केट में भी बहुत अच्छा रिस्पांस था, अभी भी है। तो इसका अगर स्पेसिफिकेशन का बात करें तो इसका आप लोगों को मिल रहा है 6.3 इंच का स्क्रीन, 4GB का रैम, स्नैपड्रैगन 675 का प्रोसेसर, 48+5 मेगापिक्सल का रियर कैमरा, 13 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा और उसके साथ साथ 4000 mAh का बैटरी और ये टोटल चीज आप लोगों को मिल जाएगा 11,000 रुपया पे। अब दोस्तों, अगर नेक्स्ट फोन का बात करें तो वो है MI A3 CC9, जो भी आप लोग बोलो, ये तो भी एक अच्छा फोन आया था, बहुत ही अच्छा दिखने में, बहुत ही अच्छा स्पेसिफिकेशन के साथ आया। तो स्पेसिफिकेशन अगर मैं बात करूं तो वो है 6.01 इंच का स्क्रीन, 4GB का रैम, स्नैपड्रैगन 665 का प्रोसेसर जो 11 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी पे बना हुआ है, उसके साथ साथ 48+8+2 मेगापिक्सल का रियर कैमरा, 32 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा, 4030 mAh का बैटरी और ये सारा चीज आप लोगों को मिल जाएगा 12,000 रुपीज में। और दोस्तों, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, फिर से मैंने एक मोटो का फोन को पिछले वीडियो के जैसा ही इस पे इंक्लूड किया है और वो है Moto One Vision। तो इस फोन का अगर मैं स्पेसिफिकेशन का बात करूं तो इस फोन पे आप लोगों को मिल रहा है 6.3 इंच का स्क्रीन, 4GB का रैम, Exynos 9610 का प्रोसेसर, 48+5 मेगापिक्सल का रियर कैमरा, 25 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा और उसके साथ साथ 3500 mAh का बैटरी और ये सारा चीज आप लोगों को मिल रहा है 14,999 रुपीज पे। तो दोस्तों, ये था टोटल पांच फोन जो 15,000 रुपया के अंदर मेरे को लगा कि अच्छा है, आप लोग ले सकते हो। पिछले वीडियो पे भी मैंने बोला था, इस वीडियो पे मैं बोल रहा हूँ कि इसको छोड़ के भी बहुत सारे फोन मार्केट पे है, अगर आप ब्रांड स्पेसिफिक हो तो आप लोगों के लिए शायद ये सारा फोन का रिकमेंडेशन काम नहीं करेगा। ये कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, हो सकता है कि आप लोगों को लगे, तो इसलिए मैंने बोल दिया। और इस वीडियो पे अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो पे प्लीज मैं टारगेट रखता हूँ 25 लाइक का, बस 25 लाइक का, हो सके तो 25 लाइक कहीं से भी मेरा इस वीडियो पे कर देना और उसके साथ साथ वीडियो को शेयर कर देना। अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग पे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अच्छे से रहना, ठीक से रहना।